तो गाइज आज हम देखने वाले हैं साइरोटेक जीपॉन 1000 आर ओ एन यू ट्रिपल पी ओ यू में कन्फिग्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों ये साइरोटेक का जीपॉन ओ एन यू है जो कि वन लैन पोर्ट के साथ आता है। ये जी पोर्ट रहता है लैन पोर्ट। तो चलिए बढ़ते अपने डेस्कटॉप की ओर। तो दोस्तों हमें यहाँ पे आके गूगल क्रोम ओपन करना होगा। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे जो इसका डिफ़ॉल्ट आईपी है राउटर का 192.168.1.1 ये एंटर करना होगा। तो दोस्तों एंटर करने के बाद ये दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड आएगा। तो ये इसलिए आता है कि यहाँ पे अपने आपको पीसी को आईपी देना होगा नीचे। तो सिंपली पीसी को आईपी देने के लिए हम क्लिक करेंगे विंडोज़ प्लस आर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करेंगे ncpa.cpl। ओके करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला विंडो शो होगा। यहाँ पे इथरनेट ऑप्शन को सिंपली क्लिक करना है। इथरनेट ऑप्शन को राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर से एक बार प्रॉपर्टी में आना है। जैसे प्रॉपर्टी में आएंगे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यहाँ पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे जो ओ एन यू की आईपी सीरीज है वो एंटर करना है। जैसे कि हमारे ओ एन यू की आईपी सीरीज है 192.168.1. ये अपने ओ एन यू की आईपी सीरीज है। 1. के आगे कुछ भी 123.124 ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। सिंपली सबनेट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सबनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देना है ओके पे क्लिक। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करने के बाद सीधा चलो इसको करते हैं मिनिमाइज। ये विंडो मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से फिर रिफ्रेश करेंगे एक बार अपने विंडोज़ को। यहाँ पे लॉगिन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लॉगिन इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली इसका जो डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड है एडमिन वो अपने को यहाँ पे एंटर करना है। ओएनयू का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन है। एंटर करने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ओएनयू का इंटरफेस ओपन। तो गाइस सिंपली यहाँ पे आने के बाद एडमिन ऑप्शन शो होगा। एडमिन ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें ओएनयू डिवाइस टाइप में जाना है। वहाँ पे एसएफयू मोड से एचजीयू मोड सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। तो गाइस ये अप्लाई करने के बाद डिवाइस रिबूट के लिए पूछेगा, तो ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद डिवाइस रिबूट होगा और डिवाइस रिबूट में कुछ टाइम लेगा, तब तक वेट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे हमारा डिवाइस हो चुका है रिबूट। तो फिर से डिवाइस को लॉगिन करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, करते हैं लॉगिन। दोस्तों अब लॉगिन करने के बाद हमें वैन का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा जो कि पहले शो नहीं हो रहा था। तो हमें ट्रिपल पी लॉगिन करने के लिए सिंपली वैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैन के ऑप्शन में हमें पी ओ एन वैन ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हमें इस वाले इंटरफेस को यहाँ पे डिलीट कर देना है। जो कि डिफ़ॉल्ट इंटरफेस रहता है उसे हमें डिलीट ही करना होता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वैन नेम का ऑप्शन हमें शो होगा। तो हमें वैन नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डाला है नेट। उसके बाद अनेबल विलन का ऑप्शन देखेगा, तो अनेबल विलन को टिक करना है। तो यहाँ पे अपना विलन आईडी एंटर करना है, जो कि विलन आईडी आपको आपके नेट प्रोवाइडर से मिल जाएगा। तो विलन डालने के बाद दोस्तों चैनल मोड में आना है। चैनल मोड में ट्रिपल पी ओ ई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें ट्रिपल पी ओ ई सेटिंग करना है तो हमें ट्रिपल पी ओ ई ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया है ट्रिपल पी ओ ई के सिलेक्ट। तो दोस्तों इसके आगे हमें सीधा कनेक्शन टाइप ऑप्शन में आना है, जहाँ पे कनेक्शन टाइप ऑप्शन में हमें अदर डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो अदर में हमें इंटरनेट ऑफ वहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि हमें इंटरनेट सेटिंग करना है इसलिए हम इंटरनेट वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद सिंपली इंटरनेट सिलेक्ट करने के बाद हमें डायरेक्ट आना है ट्रिपल पी सेटिंग यूज़र नेम में। तो यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे हमारा यूज़र नेम एंटर करना है, जो कि हमें हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा। तो वही हमें यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे कि हमने हमारा यूज़र नेम यहाँ पे एंटर कर दिया है।
तो दोस्तों उसके बाद हमें पासवर्ड एंटर करना होगा, जो कि पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों ही आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे देगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं पासवर्ड एंटर। सिंपली दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद नीचे अकाउंट नेम, ये कंटिन्यूस का ऑप्शन टाइप में कंटिन्यूस ही रहने देना है। तो उसके बाद नीचे सीधा अकाउंट नेम वगैरह है तो अकाउंट नेम ब्लैंक रहा तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे हमें कोई सर्विस प्रोवाइडर कुछ नेम सर्विस नेम दे देता है तो हमें सर्विस नेम आगे सर्विस नेम में डालना होगा, जो कि हमारा सर्विस नेम है WPIPL, ये कैपिटल में है। तो हम सर्विस नेम में हमारा सर्विस नेम एंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सर्विस नेम एंटर करेंगे उसके बाद हमें जाना है पोर्ट मैपिंग वाले ऑप्शन में। तो पोर्ट मैपिंग में हमारा जी लैन पोर्ट है तो उसको हम टिक कर देंगे और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा TPPoE सेटिंग हो चुका है। जो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।